इस वीडियो हम बात करेंगे कि स्पाइस मनी की तरफ से आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद आपको फर्स्ट टाइम कैसे लॉगिन करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, YVL DMT कैसे एक्टिवेट करना है कि आप तत्काल में 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सके, YVL EKYC कैसे करना है, YVL e-sign कैसे, सब कुछ बिल्कुल लाइव रहेगा। आपको ध्यान से वीडियो देखना है क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ा फास्ट होती है, तो आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद से आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, चलिए शुरू करते हैं। स्पाइस मनी की तरफ से आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपका आईडी और पासवर्ड लिखा होगा, आपको उसको कॉपी करना है और अपना स्पाइस मनी ऐप ओपन करके वहाँ पर पेस्ट करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पर डाल के वेरीफाई हो जाना है। वेरीफाई होने के बाद फर्स्ट टाइम आपको अपने पैटर्न लॉक बनाना होता है जो कि कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए काम आता है, तो आपको अपने यहाँ पर पैटर्न लॉक कन्फर्म करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपको RBL बैंक के साथ EKYC और e-sign करना होता है, जिसके लिए आप e-sign पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, 2 बार आपको आधार कार्ड का नंबर डालना होता है और अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर चुनना है और आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। e-sign करने के बाद EKYC करना होता है, जिसके लिए आपके पास कोई भी फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए, मंत्रा या मंत्र कोई भी होगा तो चलेगा। मेरे पास मंत्रा का है, मैं इसमें मंत्रा आईडी सर्विस और मंत्रा मैनेजमेंट इंस्टॉल किया है। इसके बाद मैं इस पर स्कैन पर क्लिक करूंगा और अपना फिंगर रख दूंगा। फिंगर रखने के बाद ये स्कैन करेगा और वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई होने के बाद आपके पास एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें आपको अपना सब डिटेल देखने के बाद से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद स्पाइस मनी से जुड़ा जो आपका मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर डालना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। OTP आएगा, OTP डालकर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद ओके पर क्लिक करना है। फिर स्पाइस मनी का जो नियम कानून होगा वो यहाँ पर लिख के आएगा, सब आपको पढ़ते जाना है और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है। फिर नीचे आपको सबमिट का एक बटन आएगा, उस पर आपको सबमिट कर देना है। फिर यदि यहाँ पर कुछ वर्क नहीं करता है तो आपको b2bspicemoney.com ओपन करना है और वहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, आपको अपना एक नया पासवर्ड बना लेना है। नया पासवर्ड बनाने के बाद से आपको फिर से लॉगिन करना होता है, तो आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और फिर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम e-sign करना होता है, जिसके लिए आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इनके जो नियम कानून है उनको आप आई एग्री करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ आपका पर्सनल डिटेल होगा जिसको आपको देख लेना है, उसके बाद से OTP के माध्यम से आपको वेरीफाई हो जाना है। वेरीफाई होने के बाद से आपको आगे बढ़ना है। अब स्पाइस मनी में कुछ और नियम कानून है जिसमें आपको चेक मार्क करके आगे बढ़ जाना है। फिर जो e-sign का फॉरम है वो आपके सामने आएगा, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। स्पाइस मनी के और नियम कानून आएंगे, आपको पढ़ते जाना और आई एग्री पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपना सभी दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। दस्तावेज डाउनलोड करने पर क्लिक करके आप सभी दस्तावेज डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद आप पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नोटिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा, आप चाहे तो आई एग्री कर सकते हैं, आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद हम फाइनली अपना जो स्पाइस मनी का ऐप है उसमें जाकर लॉगिन करेंगे। इसमें लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ लास्ट में मोर पर क्लिक करना है, ऊपर आपको सबसे ऊपर सेटिंग पर क्लिक करना है। इसके बाद सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट सेटिंग में जाना है। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद आपको मैनेज बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है, जहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट होगा जो आपने स्पाइस मनी के लिए दिया होगा वो दिख जाएगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है। यदि एक्टिव हो तो ठीक है, यदि इनएक्टिव है तो आप यहाँ से इसको एक्टिव कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा बैंक अकाउंट भी यहाँ से जोड़ सकते हैं। अब आपका एक विशेष काम और करना रहेगा, वो है YVL DMT। यदि आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो आप एक कस्टमर के 2 लाख रुपए तक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक मेल आईडी पर मेल करना रहता है। कैसे मेल करना है मैं आपको बता देता हूँ। मेल करने के 4 दिन बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये इनका मेल आईडी है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में डालना है YVL EKYC एक्टिवेशन और नीचे आपको लिखना है प्लीज़ एक्टिवेट मई YVL DMT, और आपको अपना मोबाइल नंबर, स्पाइस मनी का आईडी और आपका नाम और आपका आधार कार्ड का बैक साइड, फ्रंट साइड और पैन कार्ड का फ्रंट साइड फ़ोटो यहाँ पर डाल के आपको मेल कर देना है। मेल करने के 4 दिन के अंदर ही आपका YVL DMT एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए मैं 4 दिन वेट किया हूँ वीडियो बनाने के लिए और मेरा YVL DMT एक्टिवेट हो गया, वर्क कर रहा है। मैं इसे एक आदमी का मनी भी ट्रांसफ़र किया हूं। अब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं स्पाइस मनी के बारे में A to Z सभी सर्विस के बारे में यूज करके आपको उसकी जानकारी दूंगा किसको कैसे यूज करना है। तब तक के लिए आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।